वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करेंगे टाइटन स्पीकर मैन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि टाइटन स्पीकर मैन के साथ क्या हुआ और ये कैसे एक आम इंसान से इतना स्ट्रॉन्ग टाइटन बन गया और इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि स्किबिडी सीरीज की हर नई वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैं ऑलरेडी जी मैन, साइंटिस्ट टॉयलेट और टाइटन कैमरा मैन की ओरिजिन स्टोरी पे वीडियो बना चुका हूं, जो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। ग्रीन फॉल्स के इस टाउन में कुछ बहुत खौफनाक हुआ। ये छोटा सा टाउन कैमरामैन और स्किबिडी टॉयलेट के दरमियान जंग का मैदान बन चुका था। कैमरा स्क्वाड की पूरी कोशिशों के बाद वो इन मॉन्स्टर से लड़ने में नाकाम रहे और कैमरामैन डिफीट हो गए। ये सब होने के बाद पूरे शहर में इनका खौफ फैल चुका था। इस टाउन में निकलने वाला हर शख्स गायब हो जाता था। ग्रीन फॉल्स के शहरियों को यकीन था कि इस टाउन में कुछ स्किबिडी टॉयलेट्स मौजूद हैं और रात में वो लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं। एक दिन डेरिल नामी स्ट्रेंज शख्स ग्रीन फॉल्स से गुजर रहा था। वो नहीं जानता था कि सूरज गरूब होने के बाद इस शहर में रहे तो क्या होता है। जैसे ही वो शहर में पहुंचा, उसकी गाड़ी एक सुनसान गली में खराब हो गई। वो बाहर निकलता है और जानने की कोशिश करता है कि गाड़ी को क्या हुआ। इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, डेरिल के पीछे से कोई हिट करता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो इसके सामने एक खौफनाक आदमी खड़ा होता है। वो डेरिल को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि शहर पे आखिरी हमले के दौरान कैमरामैन के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो टॉयलेट्स का सामना कर पाते, इसलिए वो हार गए और स्किबिडी टॉयलेट्स ने इसकी पूरी फैमिली को खा लिया है। उसने अपने साथ जुड़ी हर चीज खो दी है और वो मायूसी में पड़ गया। उसने डेरिल को बताया कि वो उनसे बदला लेने का फैसला कर चुका है। इस परेशान आदमी ने एक इनविंसिबल वेपन बनाने का फैसला किया जो इन टॉयलेट से निमट सके। इसने अपने शहर से लोगों को अगवा करना शुरू किया ताकि वो इन लोगों को अपनी खौफनाक किलिंग मशीन में तब्दील कर सके। इसने पहले भी आम लोगों से एक खौफनाक मखलूक बनाई जो इन टॉयलेट से लड़ सके, पर वो इनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन वो हर तजर्बे से अपने मकसद के करीब तर होता गया। उसने स्किबिडी टॉयलेट की सब कमजोरियों को जान लिया था। इनका सबसे कमजोर पॉइंट अल्ट्रासाउंड था। अपने तजर्बात के जरिए इन्हें तबाह करने के लिए एक पावरफुल वेपन तैयार किया, और इस बार ये तजर्बा वो डेरिल पे करना चाहता था। इसने डेरिल से प्रॉमिस किया कि वो इसे अपने क्रिएचर में से सबसे ज्यादा पावरफुल बना देगा। डेरिल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए सब कुछ तय हो चुका था। अगले कुछ घंटों की गैर इंसानी सर्जरी से सब कुछ तैयार था। इसकी बॉडी सख्त तरीन फौलाद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और इसका पूरा जिस्म बहुत सारे स्पीकर से ढका हुआ था। इस क्रेजी टेक्नोलॉजी के जरिए डेरिल कई गुना बड़ा और एक खौफनाक मॉन्स्टर बन चुका था, जिसे हमने सीरीज में टाइटन स्पीकर मैन के तौर पे देखा। ये थी टाइटन स्पीकर मैन की ओरिजिन स्टोरी। अगली वीडियो टाइटन टीवी मैन पे होनी चाहिए या टाइटन क्लॉक मैन पे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।